गाइस आज का वीडियो एकदम जबरदस्त होने वाला है क्योंकि आपके पास आ चुका है मौका। इंडिया के पास मौका है पाकिस्तान को हराने का और आपके पास मौका है आईफोन 15 जीतने का, वो भी सिर्फ एक रुपए में। इससे बढ़िया मौका क्या होगा, जानने के लिए वीडियो को देखते रहना। और बीजेएस के बारे में भी बात करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं स्टैंडिंग्स के बारे में। तो कल डे 3 खत्म हुआ था सेमीफाइनल्स का और स्टैंडिंग्स देख सकते हो TX टॉप पे है और बहुत पॉइंट निकाल चुके हैं, तो ये ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। सेकंड पे GE, फिर मोगो 70 पॉइंट्स है लगभग, तो 10 पॉइंट लगभग या 15 पॉइंट्स निकाल लेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर है वशिष्ठा, अच्छा खेले है लेकिन कुछ और पॉइंट्स चाहिए होगा। फिर सोल है, ठीक ठाक खेले है। फिर FS, TT एंड RU, तो यहाँ पे 65 पॉइंट्स लगभग है लेकिन 64 का कट ऑफ है डे 3 के बाद, और जो कट ऑफ है वो 20 पॉइंट्स से इंक्रीज हुआ है। तो आज मेरे हिसाब से 85 का तो कट ऑफ जाएगा, एक दो पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, आप लोग अकॉर्डिंग क्या हो कमेंट में बताना। सो 85 का कट ऑफ मतलब बहुत सारी टीम्स को परफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे भी जो टीम्स है, क्योंकि हर एक टीम तीन ही मैच खेलेगी। अभी आगे बढ़ने से पहले चलिए अब बात करते हैं कैसे आप जीत सकते हैं आईफोन 15 एटलीस्ट 1 रुपए में। 9 जून को T20 चैंपियनशिप का मैच है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप अभी और टीम बनाओ, गिवअवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो ब्रांड न्यू आईफोन 15 सिर्फ 1 रुपए में। इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस सिर्फ 1 रुपए है और ये कॉन्टेस्ट सिर्फ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के लिए ही वैलिड है, सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, तो इसे मिस मत करना। मेगा कॉन्टेस्ट के टॉप प्राइज में जीतो 1 करोड़ रुपए एवरीडे ऑफ द टूर्नामेंट। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड करो और यहां जाकर ये कूपन कोड यूज करो मेरा MECNEW, तो डिपॉजिट करते ही मिलेगा 20% एक्स्ट्रा कैश। मैंने तो अपनी टीम बना ली है, मेक योर टीम ऑन माई 11 सर्कल फॉर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नाउ। अब यहां पे नेक्स्ट चार्ट देखोगे तो उसमें 8-bit आ चुके हैं, तो कल 8-bit का बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा। फिर उसके बाद वोल्टेक्स है, NTT, गॉड लाइक, हैदराबाद हाइड्रास, रैकनिंग, सेवन सोर एंड मैग्नेट। तो यहाँ पर जो टीम्स है, कुछ टीम्स ने कमबैक किया था, कुछ टीम्स का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन रहा था, लेकिन ये टीम्स को भी यहाँ पे अगर क्वालिफाई करना है तो 25 पॉइंट्स लगभग निकालना पड़ेगा, 25 से 30 मतलब 85 का कट ऑफ जाएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग है ये। एंड थर्ड चार्ट तो प्राइम ई स्पोर्ट्स 17 पे कल अच्छा खेले थे प्राइम जोरो खासकर, फिर लिमरा है, रेवन, THW, इनसेन, VZ, IS, LOC। सो यहाँ पे कुछ टीम्स का बोल सकते हो परफॉर्मेंस मतलब क्वालिफाई करने का चांस कम है क्योंकि 85 का कट ऑफ है, मतलब 40 पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। जो यहाँ पे प्राइम है, लिमरा है, वो लोग अगर तीनों गेम अच्छा खेलते हैं तो क्वालिफाई कर सकते हैं, बट चांसेस थोड़ा लो हो चुका है। और लास्ट चार्ट राइवलरी कार्निवल, RTG, INSP, लाइवक्राफ्ट, गैलेक्सी, NIY एंड ज़्यादा तो बाहर है, तो ये टीम्स का चांस खत्म हो चुका है क्योंकि 85 का कट ऑफ है मतलब 50 पॉइंट्स, क्योंकि पॉसिबल तो लगता नहीं है। सो ये हो गया पूरा स्टैंडिंग्स। आप लोग बताना क्या लगता है कौन सी टीम क्वालिफाई कर सकती है, मतलब कमबैक कर सकती है आज के दिन में। एंड चिंता नहीं करो, जो भी यहाँ पे टीम्स टॉप 8 होगे वो क्वालिफाई करेंगे ग्रैंड फाइनल्स के लिए, लेकिन जो बॉटम की टीम्स रहेगी 24, कोई भी एलिमिनेशन नहीं होगा, वो टीम्स जाएगी सेमीफाइनल्स वीक 2, जो कि नेक्स्ट वीक होगा, और वहाँ पे सेम हर एक टीम का मैचेस चलेगा और वहाँ से टॉप 8 टीम्स ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। सो जो भी टीम्स है भाई, सबको मौका मिलेगा एक और बार। और कल मैंने बताया था कि जो गॉडला के सिंप है उनका भी मेरा वाला मैच में सर्वर प्रॉब्लम आया था, जो कि देख सकते हो इस वीडियो में वो शेयर भी किए थे। तो ये भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे एक्सक्यूज दे रहे हैं या कुछ है, तो ये गेम का इशू है और ये सिम के साथ नहीं, बहुत सारे प्लेयर के साथ पहले भी हो चुका है, मैंने आपको शेयर भी किया है। तो इसमें कुछ लोग यहाँ पे है जो फालतू का हेट देते हैं, देखो ये हर जगह होता है, चाहे वो गॉडलाइक हो, सोल हो, बहुत सारे टीम्स हैं, तो हेटर्स भाई हर जगह है, तो हेटर्स को इग्नोर करो तो ही सही है, रिप्लाई दोगे तो वो फालतू का और हेट देगा। एंड देखते हैं, आज होप करते हैं कोई भी ऐसा कोई इशू ना हो किसी भी टीम के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं अंडरडॉग का टूर्नामेंट के बारे में। तो देख सकते हो एग्जीक्यूशन ईस्पोर्ट्स, मैंने बताया था ये स्टार्ट हुआ था, तो प्राइज मनी रिवील हो चुका है, 300K है, ओपन फॉर ऑल है, अभी भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, कल इसका फाइनल डे है, तो आप लोग चाहो तो रजिस्टर कर सकते हो, इस पेज को फॉलो कर लेना, कल फाइनल डे है, इसमें यहाँ पे आप लोग खेल सकते हो, शायद इन्वाइट ये T1 टीम्स भी आ सकती है। उसी के साथ एक और टूर्नामेंट आने वाला है, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, जिसमें देख सकते हो आसला ईस्पोर्ट्स और ट्रिनिटी, ये है न्यू सीजन अराइविंग, मतलब ये BGMI का ही टूर्नामेंट है, जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग पेज को फॉलो रख के वेट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्या आज टारगेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है TX क्वालिफाई कर चुके हैं, तो बोलो चाहे तो किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, बट कल जब निंजा स्ट्रीम कर रहे थे वहाँ पे चैट में लिख रहे थे कि इस टीम को टारगेट करो, टारगेट आज टारगेट कर लेना, तो ऐसा वो रिप्लाई करते कि उनको नहीं करना है, टारगेट करने का कोई फर्क नहीं पड़ता है और उल्टा गेम नहीं खराब करना चाहते हैं।
और भाई देखो टारगेट गेम का पार्ट है, चाहे तो कर सकती है, लेकिन ये BGIS में वैसा कोई सीन अभी तक हुआ नहीं है और उनका भी मेन फोकस है ट्रॉफी। ऑब्वियसली TX भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्म की है, मेरे हिसाब से BGIS में चैंपियन बनने के टॉप कंटेंडर है, देखते हैं क्या होगा। और एक न्यूज़ ये है कि जो BGIS का लैन होगा इसी मंथ होगा फाइनल्स, तो वो हैदराबाद में है और उसका लैन टिकट जल्दी ही चालू होने वाला है, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल फॉलो रख लो, जैसे ही स्टार्ट होगा वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। कुछ प्रीमियम टिकट भी होगा मतलब VIP और बहुत सारे फ्री होगा, तो वेट करो। एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने जो बताया था जीरो रिकॉयल, जिसमें यहाँ पे एक एलिगेशन ये था कि वो लोग 3 प्लेयर के साथ क्यों खेल रहे थे जब यहाँ पे 6-man लाइनअप था, तो उस चीज़ पे क्लेरिफिकेशन मिला है। अभी यहाँ पे सारी स्टोरी नहीं है बट देख सकते हो ये यहाँ पे क्लियर किए थे कि जो रजिस्ट्रेशन मतलब जब यहाँ पे मैच चालू होता है 3 PM के बाद, तो 1 PM तक ये लोग को प्लेइंग 4 देना होता है कौन आज खेलने वाला है। तो ये लोग उस समय आजम का नाम दे दिए थे उस दिन, लेकिन शुरू का 2 मैच में वो अवेलेबल नहीं थे, कुछ इशू आया होगा तो इसीलिए वो नहीं खेल पाए, इसलिए यहाँ पे कोई और प्लेयर उनकी जगह नहीं खेल पाया। तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे ऑडियंस को पता नहीं होता है क्योंकि भाई ऑब्वियसली यहाँ पे उस लेवल तक नहीं पहुँचे, सेमीफाइनल्स में यहाँ पे क्या क्या रूल्स थे क्राफ्टन ही उन्हीं को बताती है, तो ये रूल था इसीलिए 3 प्लेयर्स ही खेल रहे थे। चलो ठीक है यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हुआ, लेकिन इसमें यहाँ पे मुझे एक चीज़ था कि सार्थक क्यों नहीं खेले। खैर अब कुछ बात करने का फायदा है नहीं, बट जो यहाँ पे डाउट था वो मैं क्लियर कर दिया। चलो आज के इस वीडियो में इतना, जो मुझे बताना था ये सभी न्यूज़ के बारे में, और देखते हैं आज कौन सी टीम परफॉर्म करेगी। लाइक और सब्सक्राइब करके जाना और माई लेवल सर्कल को डाउनलोड करना मत भूलेगा, जिससे आप iPhone 15 और 1 करोड़ तक कैश प्राइज डेली जीत सकते हैं। लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट।